इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक नए प्रोग्राम के तहत स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV बनाने जा रहा है, जिन्हें 500 किलो तक के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूरो कंसल की 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दशकों में 6,000 से भी ज़्यादा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी और यह पूरी स्मॉल सैटेलाइट इंडस्ट्री $37 बिलियन की होगी और इसरो ने इसी मार्केट को ध्यान में रखते हुए SSLV बनाया है। लेकिन इस रेस में इसरो अकेला नहीं है, चाइना इस फील्ड में पहले से मौजूद है। चाइना के बड़े बड़े स्पेस स्टार्टअप्स और चाइनीज स्पेस एजेंसी इसरो को तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस चाणक्य में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसरो के कमर्शियल प्रोग्राम SSLV को किस तरह से चाइनीज स्टार्टअप की ओर से तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। आपको शायद याद होगा 2017 में इसरो ने PSLV से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस मिशन में इंडिया का कार्टोसैट 2 बड़ा सैटेलाइट था और बचे 103 सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट थे। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च इसरो के लिए नई बात नहीं है, पर SSLV के साथ इसरो एक नए मार्केट में कदम रखने जा रहा है। इसरो के पास PSLV जैसे मीडियम लिफ्ट और GSLV जैसे हेवी लिफ्ट रॉकेट है, लेकिन अब इसरो SSLV बनाने जा रहा है जो कि इन दोनों रॉकेट से सस्ता होगा, साथ ही इसे काफी कम समय में असेंबल भी किया जा सकेगा। कंपैरिजन के लिए बताओ तो एक SSLV की कीमत PSLV की कीमत का सिर्फ 10% होगी। साथ ही PSLV को असेंबल करने के लिए 30 से 40 दिनों का समय लगता है, जबकि SSLV को सिर्फ 72 घंटों में असेंबल किया जा सकता है। SSLV का पूरा लॉन्च 6 से 10 लोगों की टीम संभाल सकती है, जबकि PSLV के लॉन्च के लिए इसरो को 600 लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्षमता के मामले में SSLV कोई बहुत पीछे नहीं है। SSLV 500 किलो तक के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, वही SSLV 300 किलो के पेलोड को हायर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। लेकिन बात आती है कि अगर इसरो PSLV से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है तो फिर हमें SSLV की जरूरत क्यों? आपको बता दूं कि PSLV एक मीडियम लिफ्ट रॉकेट है और यह 1750 किलो तक का पेलोड स्पेस में ले जा सकता है। अब जैसे कि स्मॉल सैटेलाइट का वजन ज्यादा से ज्यादा 250 किलोग्राम तक होता है और PSLV तो 750 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को सनसिक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, तो फिर अगर इसरो को किसी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च का ऑर्डर आता है तो उसे किसी बड़े सैटेलाइट लॉन्च के लिए रुकना पड़ता है, ताकि उस बड़े सैटेलाइट के साथ इसरो इस स्मॉल सैटेलाइट को ऐसा को पैसेंजर भेज सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि स्मॉल सैटेलाइट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर इसरो किसी अपने कस्टमर को रोक के रखता है और अगर वो कस्टमर जल्दी में है तो वो किसी और स्पेस लॉन्चिंग सैटेलाइट एजेंसी से अपना काम निकाल सकता है, जिससे कि इसरो को भारी घाटा हो सकता है। इसी वजह से इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसरो ने SSLV बनाया है। ये SSLV ऑन डिमांड कस्टमर के लिए रॉकेट लॉन्च कर सकता है। साथ ही SSLV के ऑर्डर को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी का गठन भी किया है। वैसे इसरो के पास पहले से एक कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष कॉरपोरेशन मौजूद है, जिसने इसरो को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग में बहुत सफलता दिलाई है। लेकिन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ उसी स्मॉल सैटेलाइट मार्केट को टारगेट करेगी। इसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और कहा जा रहा है कि SSLV की लॉन्चिंग में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही आपको बता दूं कि SSLV की परमानेंट लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा नहीं होगी, जैसे कि हर इसरो के मिशन के साथ होता है। SSLV की लॉन्चिंग साइट मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में हो सकती है। चंद्रयान 2 की वजह से अभी SSLV की टेस्ट फ्लाइट डिले हो गई है, नहीं तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने 2018 में ही SSLV की कंप्लीट डिजाइन बना ली थी। अभी कुछ ही दिनों पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को एक अमेरिकन कंपनी की ओर से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च का ऑर्डर मिला है, लेकिन इस कंपनी का शायद ही इस साल कोई कमर्शियल लॉन्च होगा। जब SSLV पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तब सही मायने में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी की परीक्षा होगी। आपको बता दूं कि इसरो ने SSLV के पर ईयर 60+ मिशंस का टारगेट रखा है, और ये नंबर अचीव करने के लिए NSIL को रिलायबिलिटी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि भले ही फिलहाल चाइनीज स्पेस स्टार्टअप्स कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाइनीज स्पेस गवर्नमेंट एजेंसी ने अपने लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट का सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शिप बेस्ड लॉन्च कैपेबिलिटीज रखती है, यानी कि ये किसी भी शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसे ऑल वेदर रॉकेट बनाता है। साथ ही शिप लॉन्च रॉकेट होने की वजह से इसका कॉस्ट काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च के लिए इस रॉकेट का इस्तेमाल करें। वही इंडिया के पास इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स तो नहीं है, पर यही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी की असली भूमिका आती है। आपके पास चाहे दुनिया की उस पार की टेक्नोलॉजी भी क्यों ना हो, या आपके पास चाहे दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टैक्ट्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मेंटेन नहीं करते हो तो आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। ये बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, और ये दोनों चाइनीज और इंडियन स्पेस एजेंसीज को लागू करता है। ये तो वक्त ही बताएगा इन दोनों में से कौन जीतता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या अपने नाम की तरह भारत को स्पेस रेस में एक नया स्थान दे पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अगर आपके कोई दोस्त होंगे जिन्हें ऐसी ही रुचि है तो प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहें। जय हिंद।